तो गाइस आज हम बनाने वाले हैं, बनाने वाले नहीं खुदाई करने वाले हैं। देखो इस पिकेक्स और सवल हमने ले लिए ताकि हमें सब सैंड और कोल्बस्टोन हम ले सके। तो अब हम चलते हैं और वो ले लेते हैं ताकि हमें बेड बना ले और फिर हमें कोई तकलीफ ना हो। भाई शाम हो जाएगी तो वहाँ पर मॉब स्पॉन होंगे, बहुत सारी माइनिंग करेंगे ना भाई हम कोल्बस्टोन और सैंड की, और फिर हम सैंड से बनाएंगे ग्लास और ग्लास बनाएंगे बहुत कुछ। और कोल्बस्टोन तो हमें इन विलेजर को ना भाई शिफ्ट करना है, ठीक है, और हमारे लिए एक बहुत ही बढ़िया वाला हाउस भी बनाना है। तब पहले हम सो जाते हैं। तो ओके गाइज, यहाँ पे हमारी सुबह हो चुकी है और प्यारी सी सुबह, और यहाँ पर इस पर पॉइंट सेट कर लेते हैं और चलो चलते हैं हमारे काम पे। तो गाइज अभी तक जिस किसी ने लाइक नहीं किया हो जल्दी से लाइक करो और सब्सक्राइब का बटन तो बिल्कुल दबाना मत भूले, और बेल आइकन को भी दबा दे जल्दी से। यहाँ से नहीं सेंड कलेक्ट करेंगे, वहाँ पे सामने से हम कलेक्ट करेंगे। और कैक्टस भी बड़े हो चुके हैं, उसे भी हमें काटना पड़ेगा। और ये देखो ये भी कितने बड़े हो चुके हैं, स्पाई ग्लास बहुत ही बढ़िया चीज़ है। देखो देखो कितनी बढ़िया चीज़ दिख रही है भाई, माइनक्राफ्ट 1.70 का अपडेट बहुत ही बढ़िया आया भाई, और ये चीज़ तो कमाल की है भाई। और इसे हम कलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमें पेपर बना के ट्रेड कर सके। तो चलिए चलते हैं दूसरी जगह पे। ओ भाई बहुत ही प्यारी सी केट है भाई, बहुत ही बढ़िया मस्त है वाली है। और यहाँ उस तरफ हम माइनिंग करने वाले हैं भाई। देखो इन सब को हम कलेक्ट कर लेते हैं पहले जल्दी से, बहुत जल्दी से उगे भाई, ताकि हम जल्दी से ट्रेड करें और हमें मेंडिंग बहुत सारी बुक्स मिल पाए। तो ओके गाइस, मैंने यहाँ पे बहुत सारी की सारी हमने यहाँ पे कलेक्ट कर ली है। देखो लामा भी देखो भाई कहाँ कहाँ पे घूम रहे हैं भाई। तो इसे पहले रख देते हैं और इसे उगा देते हैं, जल्दी से हम इसे रख देते हैं वापस। यहाँ पर भी उखड़ गए हैं थोड़े से, अब चलते हैं हम इसे यहाँ पर ही एक चेस्ट है और यहाँ पर हम रख देते हैं ताकि हम हमारे घर पे जाना ना पड़े। देखो यहाँ पर रख देते हैं, दो स्टेक तीन स्टेक हो चुके हैं हमारे पास शुगर कैन, और हम इसका भी बहुत ही बढ़िया वाला फार्म बनाने वाले हैं भाई। देखो यहाँ पर इधर सामने हम करने वाले हैं हमारी माइनिंग कोल्बस्टोन और सैंड की। तो सैंड से हम बनाएंगे ग्लास और फिर ओके हम यहाँ पे हमारे लगते हैं हमारे काम पे और सारी की सारी सैंड कलेक्ट कर लेते हैं। तो ओके गाइज, यहाँ पे मैंने बहुत सारे कोल्बस्टोन और सैंड का कलेक्ट कर लिया है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कोल्बस्टोन ज़्यादा नहीं होने की, सैंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है हमारे पास। तो फिर से स्टार्ट करते हैं हमारी खुदाई। तो ओके गाइज, यहाँ पे देख सकते हो आप मैंने बहुत सारी माइनिंग कर ली है और आप देख सकते हो। देखो यहाँ पे हमने सारी के सारी इन्वेंट्री हमारी भर चुके है और अब हम चलेंगे हमारे घर पे और इसे स्मेल करने के लिए रख देते हैं ग्लास और कोल्बस्टोन को पिघला देते हैं। ग्लास भी मैंने यहाँ पे थोड़े से रख दिए और अब हम चलेंगे हमारे घर पे। तो चलिए चलते हैं हमारे घर पे। तो ओके गाइज, हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और अब हम यहाँ पे सब कुछ स्मेल करने के लिए रख देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे बनाएंगे फर्नस बना लेते हैं। कितने बनाने चाहिए, 3-4 बना ही लेते हैं। चलो रख देते हैं इसे यहाँ पे। देखो यहाँ पे मैंने आपको अगली वाली वीडियो में दिखाया था कि मैंने छोटा सा सेटअप करके रख दिया था, और सैंड को भी रख देते हैं स्मेल करने के लिए।
तो यहाँ पे हमने सब कुछ रख देते हैं और एक ग्लास भी रख देते हैं। वो यहाँ पे उसमें भी एक ऊपर और है, लेकिन अब